दोस्तों अगर आप भी सूर्य कुमार यादव को बेहतरीन बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारत की युवा टीम बचाएगी लंका का डंका। जी हां दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच टी20 सीरीज का पहला मुकाबला खेला जाने वाला है, जिसके लिए दोनों टीमों की तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। तो आखिरकार भारत और श्रीलंका के बीच टी20 सीरीज का पहला टी20 मुकाबला कब और कहां पर खेला जाएगा और इस मैच की लाइव प्रसारण आप कैसे देख पाएंगे, ये तो आपको बताएंगे। साथ में भारतीय युवा टीम की प्लेइंग 11 के बारे में भी आपको बताने वाले हैं, तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या और संजू सैमसन में से कौन है बेहतरीन खिलाड़ी, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों जैसा कि आपको बताया, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले से मिली हार के बाद भारतीय टीम वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज खेलने के लिए तैयार है। इस दौरान भारत की सीनियर टीम टेस्ट सीरीज खेलने के लिए वेस्ट इंडीज की धरती पर रवाना हो चुकी है और भारतीय टीम का ऐलान भी हो गया है। तो दूसरी तरफ भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ युवा खिलाड़ियों के दम पर टी20 सीरीज खेलने के लिए निकल चुकी है। दोस्तों श्रीलंका और भारत के बीच आंकड़ों की बात की जाए तो दोस्तों दोनों टीमों में आपस में 29 मुकाबले खेले हैं, जहां पर भारतीय टीम ने 19 मैचों में जीत और 9 मुकाबलों में हार का सामना किया है, तो वहीं एक मुकाबले बेनतीजा साबित हुआ है। तो भारत और श्रीलंका के बीच होने वाली सीरीज का पहला टी20 मुकाबला भारत के दिल्ली में स्थित फिरोज शाह कोटला स्टेडियम पर होने वाला है, जहां पर बल्लेबाजों को तो काफी ज्यादा मदद मिलने वाली है, साथ में तेज गेंदबाजों को भी काफी ज्यादा फायदा होगा। ऐसे में जो भी कप्तान टॉस जीतेगा वो टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला करेगा, तो वहीं मुकाबले वाले दिन बारिश की संभावना ना के बराबर है। दोस्तों दोनों टीमों की प्लेइंग 11 के बारे में बात करें तो श्रीलंका की तरफ से पारी की शुरुआत करने का कार्य नवाडु फर्नांडो और अविष्का फर्नांडो को दिया गया है। इसके अलावा मध्य क्रम में कुशल मेंडिस, धनंजय और असलमका बड़ी पारी खेलने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा कप्तान दासुन शंका ऑलराउंडर की भूमिका निभाएंगे। तो वहीं गेंदबाजों के बारे में बात करें, मधुशंका, महेश कुमार और मथीशा पतिराना खेलने वाले हैं। तो वहीं भारत की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए इस बार यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ की नई सलामी जोड़ी खेलने वाली है, क्योंकि बाकी के सलामी बल्लेबाज वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलने में व्यस्त रहेंगे। इसके अलावा मध्य क्रम में तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए सूर्य कुमार यादव खेलते दिखाई देने वाले हैं, तो चौथे नंबर पर विकेट कीपर के रूप में संजू सैमसन खेलते दिखाई देने वाले हैं। इसके अलावा पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए रिंकू सिंह खेलते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा ऑलराउंडर के तौर पर हार्दिक पांड्या और वॉशिंगटन सुंदर को खिलाया जाएगा। तो वहीं फिरकी गेंदबाज के रूप में युजवेंद्र चहल खेलते दिखाई देंगे। इतना ही नहीं, तेज गेंदबाज के रूप में उमरान मलिक, हर्षल पटेल और अर्शदीप सिंह खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। ऐसे में टीम बी के साथ भारतीय टीम उतरने वाली है। तो वहीं भारत और श्रीलंका के बीच टी20 सीरीज का पहला टी20 मुकाबला 25 जनवरी 2023 को दिल्ली में स्थित फिरोज शाह कोटला स्टेडियम पर होने वाला है, जो भारतीय समय अनुसार 7:30 बजे से खेला जाएगा, जिसमें 7 बजे सिक्का उछाला जाएगा। तो वहीं 7:30 बजे पर पहली गेंद फेंकी जाने वाली है। इसका लाइव प्रसारण आप स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं, जो वहीं मैच की लाइव कवरेज 6:30 से देखने को मिलेगी। तो वहीं ऑनलाइन स्ट्रीमिंग पर इस मुकाबले का आनंद आप डिज्नी हॉटस्टार पर देखकर उठा सकते हैं, जिसके लिए सब्सक्रिप्शन होना अनिवार्य है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, भारत और श्रीलंका के बीच सीरीज में कौन सी टीम जीत हासिल कर पाएगी, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।